हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, बेसिकली विंटर बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने ये टोपी ओपी लगा लिया है। और आज है मेरी हाइड्रोफेशियल की अपॉइंटमेंट। एक्चुअली मैंने कल लिया था पर मैं कल नहीं जा पाई थी तो मैं आज जा रही हूँ। एंड 11 बजे से 1 बजे के अंदर उन्होंने मुझे बुलाया था। अभी 11:30 बज रहे हैं। लेट्स सी हम टाइम से पहुँच पाते हैं कि नहीं, बट होपफुली कि आज हो जाए। तो आप सब चलिए, मैं आप सबको भी लेकर के चलती हूँ कॉस्मेटिक मंत्रा और बताती हूँ आपको कि क्या है हाइड्रो फेशियल का प्रोसीजर। मैंने पहले भी एक साथ आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि आप घर पर कैसे हाइड्रो फेशियल कर सकते हो। हाइड्रो मतलब कि आपके स्किन को एकदम हाइड्रेटेड करना। ये फेशियल जो है वो वाटर से होता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए होता है। स्पेशली विंटर में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है इसलिए। तो चलिए आप सबको भी दिखाती हूँ कि कौन कौन सी मशीन और कौन कौन से टूल्स का यूज़ करके इस फेशियल को किया जाता है। सो लेट्स गो एंड फिंगर क्रॉस कि मैं टाइम से पहुँच जाऊँ। सो गाइस, सबसे पहले मैं स्किन डॉक्टर से मिली, उनसे कंसल्ट किया कि हाइड्रा फेशियल में स्किन को सूट करेगा या नहीं है, फिर ये किस स्किन टाइप वालों को सूट करता है, इसके कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं है, कितने दिन पहले कराना चाहिए, ये सारी चीज़ें जानने के लिए मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिली। बट क्या होता है ना कि जब हम बात करने लगते तो हमारा ध्यान कैमरे पर नहीं जाता, इसलिए मेरा कैमरा जो है ना वो नीचे गिर गया था। तो हमारी बात तो रिकॉर्ड हुई बट मैम का फेस नहीं रिकॉर्ड हुआ। बट इट्स ओके, बट आपको काम की सारी जानकारी यहाँ मिलने वाली है। सो मैंने उनसे क्या क्या बातें हुई ये सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की हैं, तो चलिए आप सबको भी आप सबके भी साथ शेयर करती हूँ। ऊपर मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उससे आपके ग्लो दिखता है। अगर आप खुद से भी क्रीम लगाएंगे और थोड़े मसाज करेंगी तो ग्लो आ जाए तो ग्लो आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक तो पहले वो करते हैं वैक्यूम बेस्ड वो होता है, उससे निकालते हैं तो अपर जो डेड स्किन होती है पहले तो वो हटती है, तो पोर्स आपके ओपन अप हो जाते हैं। उसके बाद ऑक्सीजनेशन करते हैं तो फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं जो कि हमारी स्किन को डैमेज करते हैं, तो वो फ्री रेडिकल्स उससे ऑक्सीजनेशन से रिमूव होते हैं। फिर उसके बाद की जो स्टेप होती है उसमें विटामिन सी हाइलुरोनिक एसिड का वो होता है, तो वो इलेक्ट्रोड्स के थ्रू होता है तो वो अंदर जाता है, तो अंदर से स्किन रिपेयर होती है। ये बाहर फर्क सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये अंदर से ट्रीटमेंट कर रहा है, जड़ से चीज को हटाना चाहता है। ब्लैकहेड्स वगैरह पूरी तरह से निकल जाते हैं? इसमें ब्लैकहेड्स नहीं होते, निकलते हैं। ब्लैकहेड फर्क चीज है, ब्लैकहेड में आपको स्क्रबर यूज मतलब वो यूज करना पड़ता है, तो ब्लैकहेड अगर इस वक्त करते हैं तो उससे इन्फ्लेमेशन होने के चांस रहते हैं। मतलब हाइड्रोफेशियल में ब्लैकहेड्स वगैरह नहीं निकलते? नहीं, नहीं। स्किन कब तक मतलब अच्छी दिखती है? 1-2 महीने तक? ये स्किन तो आपकी रिपेयर होती रहती है, बताया ना अंदर से रिपेयरिंग शुरू हो गई है। तो हम लोग तो रिकमेंड करते हैं कि जो लोग रेगुलर नहीं लेते हैं उनको 1.5-2 महीने में एक बार ले लेना चाहिए। अच्छा। और फिर जब 3-4 बार ले लें तो एक लेवल मेंटेन हो जाता है, उसके बाद तो 4-6 महीने में एक बार लें। अगर फ्रिक्वेंटली लें कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छा है ना स्किन की? बहुत अच्छा है। स्पेशली विंटर्स में टाइम नहीं मिलता, नहीं तो हम लोग तो हर महीने लें। स्पेशली मुझे क्या लगा कि विंटर्स में स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है और अभी मेकअप वेकअप करना है शादी में, तो अगर हाइड्रोफेशियल है तो स्किन थोड़ी सी मॉइस्चराइज हो जाती है, तो इसी अकॉर्डिंग मतलब मैंने सोचा करा लेती हूँ। तो अपने सिटी में तो यही एक जगह अवेलेबल थी। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, सो गाइस फाइनली मैं अपने वेन्यू पर टाइम से पहुंच गई हूँ और अभी बस थोड़ी देर में मेरा हाइड्रोफेशियल स्टार्ट हो जाएगा। मैंने बात कर ली है। सो गाइस मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ क्योंकि मेरा फेशियल जो है वो स्टार्ट होने वाला है। सो मैंने अपनी पोजीशन ले ली है एंड मैं यहाँ पे जो मशीन एंड टूल्स हैं मैं उनको एक बार देख रही हूँ कि व्हाट इज़ दिस। तो
तो चलिए, आपको भी मैंने रिक्वेस्ट कर ली है कि सारा डिटेल प्रोसेस वो हमें एक्सप्लेन करें, जो भी मेरे फेशियल करेंगी कि कैसे करती हैं वो, कितने स्टेप्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें वो आपको एक्सप्लेन करेंगी. तो इट मे बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल गाइज. सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ टू मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंडलिक होता है, सालिक होता है और तरलक होता है, उसके लिए यूज करते हैं. जो कोलेजन लेवल होता है स्किन का, उसको बूस्ट करने के लिए सेकंड स्टेप में इन्फ्यूज करते हैं स्किन के सारे ब्यूटी लिक्विड्स. कोलेजन बूस्टिंग क्रीम होती है, इसमें कोलेजन के साथ करते हैं. मोस्टली ऐसा हो सकता है कि आपको हल्का हल्का चिलचिलाहट फील हो फेस पे, तो बिल्कुल कॉर्नर है वो. तो जाता है रागनी मैम, नीचे नहीं है क्या? है ना, ये कैप्सूल लगती है मैडम, ये सारी इसमें फेस में मेल्ट हो जाती है. क्या वही रेडिएशन प्रोसेस का?
प्रोसीजर को स्किन के अंदर लॉक करने के लिए मैं लास्ट स्टेप करती हूँ। इसमें हाई सेंसर होता है जो स्किन की क्वालिटी को बूस्ट करता है। सो गाइस, इस हाइड्रोफेशियल के चार स्टेप्स थे, जिसमें कि पहला स्टेप था वैक्यूम। तो वैक्यूम के थ्रू आपके स्किन के पोर्स की जो भी गंदगी होती है उसको वैक्यूम जनरेटेड मशीन के थ्रू बाहर निकालते हैं। फिर कोलेजन बूस्टिंग क्रीम लगा करके आपके स्किन में एक्चुअली सीरम जो है वो मशीन के थ्रू आपके स्किन में पेनिट्रेट कराते हैं। एंड देन आफ्टर अगेन कोलेजन बूस्टिंग क्रीम लगा करके आपके स्किन पर मसाज करते हैं, आपके स्किन पर रेडिएशन देते हैं। रेडिएशन प्रोसेस इन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया था क्या होता है, तो वो भी आपके स्किन के कोलेजन को बूस्ट करने के लिए। आपके स्किन में जो भी डर्ट वगैरह है उसको निकालने के बाद आपकी स्किन को रिपेयर करने के लिए ये टूल यूज़ किया जाता है। एंड देन आफ्टर स्किन को क्लीन करने के बाद यहाँ पर इन्होंने विटामिन सी सीरम अप्लाई किया है फॉर 10 to 15 minutes, एंड देन वाइप आउट माई फेस एंड अप्लाई अ सनस्क्रीन। तो बेसिकली अगर आप कोई भी फेशियल कराते हैं तो आपको धूप से बचना चाहिए, तो वही इस फेशियल का भी सबसे मेन है कि धूप से बचना चाहिए। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी कि कैसा ये फेशियल डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, और हर स्किन टाइप को सूटेबल होता है। आपकी स्किन को एक्चुअली रीजेनरेट करने के लिए ये फेशियल आप करा सकते हैं, अपने स्किन की गंदगी को दूर करने के लिए आप ये वाला फेशियल करा सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू ऑल गाइज, एंड इफ़ यू रियली एन्जॉयड दिस व्लॉग देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस फेशियल देन यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू ऑल। So guys, finally done my facial. So guys, I have done my facial and you can see the glow. तो कुछ फर्क तो दिखा है, बाकी मैं आपको डिटेल में इसके बारे में सब कुछ बताऊंगी बाद।